आज हम आर्डुइनो में रीड एनालॉग वोल्टेज इस एक्सपेरिमेंट की जानकारी लेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वे सारी चीज़ें आपको आर्डुइनो के किसी भी स्टार्टर किट में मिल जाएंगी। अगर आपने अभी तक कोई स्टार्टर किट नहीं ख़रीदा हो तो आप मेरे वेबसाइट पर दिए गए लिंक से कोई भी स्टार्टर किट खरीद सकते हो। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमने आर्डुइनो उनो का बोर्ड, एक छोटा ब्रेडबोर्ड, 10 किलो ओहम्स का एक पोटेंशियोमीटर और 3 वायरें इस्तेमाल की हैं। यह एक लीनियर टेपर पोटेंशियोमीटर है। इसके ऊपर B10 के लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने लाल, काला और पीला ऐसे 3 रंग के वायरों का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले पोटेंशियोमीटर को ब्रेडबोर्ड पर बिठा लें। पोटेंशियोमीटर के दाहिने छोर पर आपको एक छोटा सा नॉच या गड्ढा दिखाई देगा। पोटेंशियोमीटर की पिनें जिन छेदों में बिठाई गई हैं उनके सामने वायरों को बिठा लें। नॉच वाली साइड में काले रंग की वायर, बीच वाली पिन से पीले रंग की वायर और सबसे अंत में लाल रंग की वायर को जोड़ लें। अब वायरों के दूसरे छोर आर्डुइनो के पिन से जोड़ लें। आर्डुइनो के बोर्ड पर पावर और एनालॉग लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। पावर वाली पिनों में 5 वोल्ट के लिए एक पॉइंट है और ग्राउंड के लिए 2 पॉइंट्स हैं। एनालॉग वाली पिनों में A0 नाम का एक पॉइंट आपको दिखाई देगा। लाल रंग की वायर को 5 वोल्ट की पिन से जोड़ लें। काले रंग की वायर को ग्राउंड के किसी भी एक पॉइंट से जोड़ लें और पीले रंग की वायर को एनालॉग के A0 पिन से जोड़ लें। इस तरह से वायरें जोड़ने के बाद आर्डुइनो के बोर्ड को USB केबल से कंप्यूटर से जोड़ लें। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम जिस प्रोग्राम का इस्तेमाल करने वाले हैं वह आपको आर्डुइनो के सॉफ्टवेयर में यानी कि उसके IDE में, इंटेग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में दिखाई देगा। इसके लिए अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया हुआ आर्डुइनो का सॉफ्टवेयर ओपन कर लें और फिर फाइल, एग्जांपल्स, बेसिक्स, रीड एनालॉग वोल्टेज इस मेनू पर क्लिक करने पर यह प्रोग्राम ओपन होगा। यह प्रोग्राम किस तरह से काम करता है इसे समझाने के लिए मैंने एक अलग से आर्टिकल लिखा है। यह आर्टिकल आपको इस वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर में माउस पॉइंटर ले जाने पर एक कार्ड ओपन होगा। उस पर क्लिक करने पर एक नया वेब पेज खुलेगा। वहाँ पर आप यह आर्टिकल पढ़ सकते हो और साथ ही आर्डुइनो का स्टार्टर किट भी आप वहाँ से खरीद सकते हो। अब यह प्रोग्राम हमें आर्डुइनो के बोर्ड पर अपलोड करना है। इसके लिए ऊपर दिखाई दे रहे आइकॉन्स में दूसरे नंबर के आइकॉन पर माउस पॉइंटर ले जाइए। तब आपको अपलोड ऐसे लिखा हुआ दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने पर यह प्रोग्राम आर्डुइनो के बोर्ड पर अपलोड होगा। अपलोड पूरा होने पर डन अपलोडिंग ऐसे लिखा हुआ स्क्रीन के निचले हिस्से में दिखाई देगा। अब इसके बाद टूल्स मेनू में जाकर सीरियल प्लॉटर या सीरियल मॉनिटर दोनों में से कोई एक मेनू पर क्लिक कीजिए। सीरियल प्लॉटर में हमें एक ग्राफ दिखाई देगा और सीरियल मॉनिटर में हमें नंबर्स दिखाई देंगे। पोटेंशियोमीटर का नॉब गड्ढे वाले साइड में यानी कि उसके नॉच वाले साइड में पूरी तरह से घुमाने पर यह उसके मिनिमम पोजीशन में होगा और जैसे ही धीरे धीरे नॉब को दूसरी ओर घुमाने लगोगे वैसे वैसे स्क्रीन पर वोल्टेज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यह 0 से लेकर 5 वोल्ट तक बढ़ता है। फिर उसके बाद पोटेंशियोमीटर के नॉब को नॉच वाले साइड में धीरे धीरे घुमाने पर वोल्टेज कम होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो इस तरह का यह एक आसान एक्सपेरिमेंट है। आप इसे स्वयं करके देख सकते हो।